श्री गोविंद पुरोहित, श्री जी प्लाईवुड, उदयपुर, राजस्थान। मैं इस इंडस्ट्री में 99 से हूँ, 1999 से। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद में जब मैंने अपनी ट्रेड के बारे में सोचा कि क्या बिजनेस करना चाहिए उस दौरान, तो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ी होने की वजह से मुझे ये ट्रेड अच्छी लगी। इसमें मुझे स्कोप लगा काम का और इसलिए मैंने इसका चुनाव किया और करीब 15-16 साल से हम लोग इस ट्रेड में हैं। व्यापार के किन सिद्धांतों को अपनाया? हमेशा नया करना, कुछ नई नई चीज़ों के लिए, नए विकास के लिए हमेशा तैयार रहना। हम अपनी जो एडवर्टाइजमेंट की जो योजनाएं हैं उसमें भी काफ़ी आक्रामक तरीके से काम कर रहे हैं। तेज़ी से व्हाट्सअप वगैरह पे अपडेट करते हैं चीज़ें, लोगों को नए प्रोडक्ट्स के बारे में फटाफट जानकारी देते हैं। आर्किटेक्ट्स हों, कारपेंटर्स हों, कस्टमर्स हों, उसके अलावा उनकी जो भी नई रिक्वायरमेंट है तो उसे डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें जो चीज़ चाहिए होती है उसके बारे में सर्च करते हैं, उस पर R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं और उन्हें अवेलेबल करवाते हैं। कितना बदला है बाजार? मार्केट सिनेरियो तब से अब में पूरी तरह से बदल चुका है, हर क्षेत्र में, चाहे प्रतिस्पर्धा हो, चाहे विपणन के अलग अलग आयाम हो, चाहे प्रोडक्ट्स हों, सभी में काफ़ी चेंज आ गया। क्योंकि करीब करीब एक युग बदल जाता है 10-15 साल में व्यापार में। आप देखें तो लेमिनेट्स, जिनको पहले कभी कारपेंटर्स वगैरह अपने हिसाब से पास करवा लिया करते थे, अब उसमें आर्किटेक्ट्स पास करते हैं, पूरी फैमिली मिलकर डिसाइड करती है। और रोज़ नया चाहिए लोगों को, अगर लेमिनेट्स की बात करें रोज़ नया चाहिए, डेकोरेटिव्स की बात करें रोज़ नया चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर आप देख सकते हैं कि हर चीज़ आपको टेलीविज़न पर, इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाती है, तो लोग उससे कंपेयर करके चलते हैं। पहले आप गिनती की कंपनियाँ एडवर्टाइजमेंट करती थी, ऑन एयर एडवर्टाइजमेंट करती थी, अब आप देखेंगे काफ़ी कंपनियाँ एडवर्टाइजमेंट में है, काफ़ी कंपनियाँ कारपेंटर मीट्स करती है, काफ़ी कंपनियाँ डीलर्स मीट करती हैं, कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कई चीज़ें क्लाइंट्स को लेके घर घर मार्केटिंग होती है जो पहले नहीं हुआ करती थी। एक तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, जो पहले शॉप्स वगैरह थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, कंपटीशन आपस में बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, रेट्स में अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा हैं, रेगुलर रेट्स चेंज होती रहती हैं, मार्केट स्टेबल नहीं है। डिस्प्ले का क्या महत्व है आज के समय में? बिल्कुल ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि मैंने जैसा आपको बताया कि 15 साल पहले इवन कारपेंटर अपनी मर्जी से लगा देता था और पार्टी से पूछा भी नहीं जाता था। उसके बाद में शेड कार्ड चलने लगे, अब पूरी शीट देखते हैं लोग, पूरी शीट देखने के बाद में उसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, जैसा आपको बताया। और मैंने आपको अपने एम में जैसा बताया कि हम चाहते हैं लोगों को विजुअल इफेक्ट दे दें, कि उन्हें वैसे पता चल जाए कि लगे बाद फर्नीचर कैसा दिखेगा उनकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें जो आगे चली जाती जा रही हैं, उसका रीज़न ये है कि लोग बाग अपने फर्नीचर को बनने से पहले ही एक बार रिव्यू कर लेना चाहते हैं, ताकि वो चेंजेस भी करना चाहें तो कर सकें। ऐसे में डिस्प्ले सब बहुत आवश्यक काम है आज की तारीख में, वो एक हम ये कहें कि शोबाजी ऐसा नहीं, आवश्यकता है। नई सरकार से आपको क्या उम्मीद है? व्यापार क्षेत्र के लिए, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे औद्योगिक हो, विपणन हो, रिटेल हो, सभी प्रकार के व्यापार के लिए स्टेबल गवर्नमेंट और सशक्त नीतियाँ आवश्यक है। नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए कि जो दूरदर्शी भी हों और इफेक्टिव भी हों। कब से जुड़े अमूल्या के साथ? अमूल्या लेमिनेट करीब 5-6 साल से हम लोग बेच रहे हैं। जब हमने सबसे पहली बार इसका क्वालिटी और शेड कार्ड देखा तो उससे काफ़ी प्रभावित हुए। उसके बाद में जो हमारे यहाँ के स्थानीय डीलर हैं उनकी सर्विसेज भी अच्छी रही, उनके साथ हमारी ट्यूनिंग भी अच्छी रही, पॉलिसीज अच्छी रही। क्या है अमूल्या में खास? एक तो ये कि कॉन्स्टेंट क्वालिटी। अक्सर क्या होता है कि बाजार में क्वालिटी को लेके कुछ कुछ समय में वेरिएशन आता रहता है। अमूल्या ऑल राउंड अपनी क्वालिटी को जैसा भी स्तर है उसे एक बार फिक्स रखा हुआ है, ताकि उसमें जो भी एक, क्योंकि क्या होता है जब कंप्लेंट्स आ जाती हैं तो एक बार आई हुई कंप्लेंट्स आपके पीछे की 4-3 साल की गुडविल को और आगे आने वाली गुडविल को भी डिस्टर्ब कर देती है लेमिनेट लाइन में। कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए आपकी क्वालिटी से, आपके कंसेप्ट से, आपकी वैरायटी, क्योंकि आप डेकोरेटिव लाइन में हो तो आपको हमेशा वैरायटी देनी पड़ेगी, अपडेट रहना पड़ेगा, अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी, फास्ट सर्विस। लेमिनेट आजकल लेमिनेट लोगों को ईमेल की तरह चाहिए, तो आपको धीरे धीरे धीरे, हालांकि वैसा नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आपको उसके लेवल तक सर्विसेज को फास्ट करना पड़ेगा और क्वालिटी को हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा। पार्टनर्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए जिस तरीके के प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं या कर रहे हैं वैसे लगातार करते रहें, ताकि हमें भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता रहे।